भारत के लिए G20 की अध्यक्षता बेहद अहम है, क्योंकि इस मंच की सबसे बड़ी बात है हर साल शिखर सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े देशों के आपस में मुलाकात होगी। साथ ही इस साल भारत G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है। भारत के सामने इसे लेकर कठिन चुनौतियां हैं। भारत की G20 की प्राथमिकताओं में जस्टिफाइड और कंटिन्यूस डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा अन्य शामिल है। G20 समिट में इस बार दुनिया के टॉप लीडर्स आपस में मुलाकात करेंगे। इस बार भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हिस्सा ले रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत कई व्यापार समझौते पर अलग अलग देशों से बात कर सकता है। शिखर सम्मेलन में शामिल होकर मोदी कई नेताओं के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पिछले कुछ महीनों में G20 की साख को काफी झटका लगा है। शिखर सम्मेलन से ठीक पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का शामिल न होना सुर्खियों में रहा है। वहीं इसकी आंतरिक दरारें भी उभर कर सामने आई हैं। जैसे जैसे भारत इसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा, उसे तमाम मतभेदों को दूर करने के लिए सामने से नेतृत्व करना होगा और साथ ही भारत को मतभेदों के समाधान तलाशने होंगे, शांति के लिए रास्ता का निर्माण करना होगा। वहीं भारत को एक एजेंडा तैयार करना है जिसमें सभी सदस्य यूनाइटेड हों, साथ ही इंटरनल गवर्नेंस रिफॉर्म लाना होगा और भारत को इंक्लूसिवनेस और एकता पर जोर देना होगा। इससे एक आम सहमति बनाने में मदद मिलेगी जो G20 के लिए एक व्यावहारिक वास्तविक एजेंडा निर्धारित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। अन्य चुनौतियों में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय करना और रूस यूक्रेन युद्ध पर एक स्पष्ट G20 नीति शामिल है। ऐसे समय में जब रूस को मंच से निकालने की मांग उठ रही है, भारत को सभी G20 सदस्यों के लिए आचार संहिता पर सख्त बात करनी होगी और यह देखना होगा कि इसे कैसे लागू किया जाए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।